महा विकास अघाड़ी और महायुति दोनों अलायंस में पहला वर्ड महा है, महा सरकार किसकी बन रही है? महा विकास अघाड़ी की, क्योंकि महायुति नहीं, वो महा झूठी है। वो जो करते हैं वो अभी तक जो जिसमें उलझे हुए हैं सिर्फ भ्रष्टाचार। अगर आप देखें तो पिछले 2 सालों में एक भी नई बड़ी कोई इंडस्ट्री नहीं आई है महाराष्ट्र में, ना रोजगार आया है। कुछ दिन पहले मैंने श्रीकांत शिंदे जी का इंटरव्यू किया था, वो भी ओपन चैलेंज कर रहे हैं, बोले कि आदित्य ठाकरे जी आ जाए सामने, मेरा ओपन चैलेंज है, मैं ओपन डिबेट करने को तैयार हूँ। और डिफरेंसेस बताएंगे कि अभी की सरकार ने और अभी जो प्रेजेंट सरकार ने उन्होंने क्या किया, और जब उद्धव जी सीएम थे तब मैंने मैंने चैलेंज दिया है सीएम को। आज सीएम के पद पे कौन बैठा हुआ है? एकनाथ शिंदे बैठे हुए हैं। सरकार चला रहे कौन है, या राजवट चला रहे कौन है, जो इलीगल रेजिम में चला रहे कौन है? एकनाथ शिंदे चला रहे। दादागिरी कौन कर रहा है महाराष्ट्र में? एकनाथ शिंदे कर रहे। भ्रष्टाचार कौन कर रहा है? एकनाथ शिंदे कर रहे। ये आजू बाजू के चेले चपाटे को मुझे ज्यादा महत्वपूर्ण महत्व देने की जरूरत नहीं है। मैं सीधा चैलेंज कर रहा हूँ इलीगल सीएम को। मुझे पता है वो डरपोक है, इसलिए तो भाग गए गुजरात में, सूरत वही भागे थे, गुवाहाटी वही भागे थे। अगर हिम्मत हो तो आए, पूरा डिपार्टमेंट लेके आए, पूरी फौज लेके आए। आप सीएम एकनाथ शिंदे का डिबेट करने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल हूँ, मैंने तो 2 साल से वही तो मांगा है। मैं ये भी नहीं पूछूंगा कि आप भाग के क्यों गए, क्योंकि मुझे कारण पता है। ईडी के डर था इसलिए भाग के गए, गब्बर बने इसलिए गद्दार बने। आप भाजपा के बारे में इतना बोलते हो कि आपकी 25 साल पुरानी पार्टी थी, आपके साथ काम किया, आपके पिताजी के साथ काम किया, आपके दादाजी के साथ काम किया, कभी ऐसा सिनेरियो बनेगा या बनने वाला है, या फिर इन फ्यूचर कभी ऐसा कि ऐसी कोई स्थिति आ जाए जहाँ पे उद्धव जी फिर आपको ऐसा लगे कि वो युति जो पहले थी वो दोबारा बन सकती है? यादें बहुत है, अच्छी मेमोरीज भी काफ़ी सारी है। लोकसभा 2014 के दरमियान हमने पूरी दिल जान लगा के काम किया मोदी साहब को पीएम करने में। बहुमत की सरकार आई, 282 की सरकार आई, मिशन 272 तो पार हो गए थे, अच्छी है सरकार बन गई। हमने ना कभी मिनिस्ट्री मांगी ना कुछ मांगा, जो भी हमें दिया वो हमने ले लिया। ना मैं, ना कभी मेरे पिताजी, ना कभी मेरे दादाजी मिनिस्ट्रीज के लिए, डिपार्टमेंट्स के लिए लॉबी करने वाले लोग हैं। 4 महीनों में बात ऐसी कुछ बनी उनके मन में, भाजपा के मन में, कि उनको लगा कि महाराष्ट्र में भी अभी खुद की सरकार बनेगी। तो क्या किया उन्होंने, 145 जो इक्वल लड़ रहे थे हम, उन्होंने फोन कर दिया और कहा कि हम रिश्ता तोड़ रहे हैं। हम तब तुलजापुर के मंदिर से बाहर आ रहे थे, खड़से साहब ने फोन किया कि ऊपर वालों ने कहा है कि अब रिश्ता तोड़ दो, सेना के साथ रिश्ता बनना मुमकिन नहीं है। क्यों ऐसे हुआ? अच्छा, ये भी हमने उनको फोन करके वापस कहा था कि खड़से साहब और 1-2 दिन है, कुछ और सीट एक्सचेंज करनी है, 1-2 आपको बढ़ानी है, कम करनी है। सीट को लेकर इश्यूज हुए? नहीं, सीट को नहीं, उनके मन में घमंड इतना था कि अभी मेरे दादाजी नहीं है, वंदने हिंदू सम्राट बाला साहब ठाकरे नहीं है, तो शिवसेना को खत्म कर दो। आप ये सोच कितनी गंदी है, देखो क्यों खत्म करने जाते हैं? उनके 2-3 बड़े नेता आपके पास भी बोलेंगे, मैं आपको नाम बाद में दूंगा, उनसे उनका इंटरव्यू लीजिए। लेकिन यही हम कहना चाहते कि 25 साल पुरानी जो युति थी, जब उनके कई नेताओं के साथ कोई दूसरा नहीं था, मेरे दादाजी और मेरे पिताजी उनके साथ खड़े रहे थे, जब भाजपा को लगता था कि हम वोट किसी राज्य में काटेंगे, उनके वहां के नेता फोन करते थे और हम उधर चुनाव भी नहीं लड़ते थे, हमने उनको स्पेस पूरी सील कर दी थी, तो भी हमें खत्म करने की कोशिश की। फिर भी अरुण जी ने फोन किया तब कि उद्धव जी आ जाओ साथ में, जो भी मामला है निपटा देंगे। हमारा कोई मामला ही नहीं था, झगड़ा ही नहीं था, हमें पता ही नहीं उन्होंने युति क्यों तोड़ी थी। तब भी हम हिंदू थे, अभी भी हम हिंदू है, तो भी युति तोड़ दी थी, हम वापस गए। 19 तक जो भी अन्याय था सहन करते गए, कभी सरकार गिराने की कोशिश भी नहीं की, दूसरों के साथ हाथ मिलाने की भी कोशिश नहीं की। तभी भी हमें लगा था कि मामला ठीक हो जाएगा। लेकिन 19 में उन्हें जो वादा मेरे दादाजी के रूम में दिया था, जो रूम हमारे लिए मंदिर है, वही वादा उन्होंने तोड़ दिया। वापस 303 की सरकार आई, उन्होंने बोला कि वापस नहीं किया कुछ, वापस तीन, यही तो झूठी बात है ना, वापस 303 की सरकार आई और वादा तोड़ दिया। अभी एक बार फंसे, दूसरी बार फंसे, तीसरी बार हम फंसने को जाए उनके साथ?